1960 के दशक के मध्य तक पनडुब्बियों की मुख्य स्ट्रेटजी दुश्मन सैन्य जहाजों और समुद्री रसद यातायात पर हमला करना होता था। हालांकि यह भूमिका अभी भी मौजूद है, लेकिन आधुनिक पनडुब्बियों की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल छोड़ने की क्षमता ने पनडुब्बियों के लिए एक और स्ट्रेटेजिक भूमिका बना दी है, जो कि दुश्मन देश में सीधे मिसाइल से एक लक्ष्य पर हमला करना है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आज के जमाने की आधुनिक पनडुब्बियां काम कैसे करती हैं। चिकनी सतह के साथ साथ पनडुब्बी का आकार एक सिगार की तरह होता है, जो इसे पानी के नीचे तेजी से चलने में सक्षम बनाता है। ज्यादातर पनडुब्बियों के डिजाइन में दो हल होते हैं, प्रेशर हल और आउटर हल। प्रेशर हल आमतौर पर मोटे हाई स्ट्रेंथ स्टील से बना होता है और वाटर टाइट ब्लॉक हेड के साथ कई हिस्सों में बंटा होता है। प्रेशर हल में आदमी के रहने की जगह, कंट्रोल रूम, कम्युनिकेशन रूम, हथियार, रसोई, मेन और सहायक मशीनरी के साथ अन्य कई उपकरण रहते हैं। हाई स्ट्रेंथ मेटल से बना ये प्रेशर हल इन्हें गहरे पानी के दबाव में कुचले जाने से बचाए रखता है। प्रेशर हल आउटर हल के अंदर होता है, जो कि प्रेशर टाइट नहीं होता है, क्योंकि किसी भी गहराई में आउटर हल के बाहर और अंदर लगभग एक ही प्रेशर रहता है। पनडुब्बी के बाहरी हल के ऊपर एक ढांचा होता है, जिसमें कम्युनिकेशन, रडार, वेपन सेंसर के अलावा पेरिस्कोप भी होता है। इस ढांचे को सेल कहते हैं। पेरिस्कोप एक ऐसा उपकरण है जो उस दृश्य को दिखा सकता है, जो देखने वाले के सीधे आंखों के सामने मौजूद नहीं है। एक सिंपल पेरिस्कोप में 45 डिग्री पर दो मिरर या फिर दो प्रिज्म लगे होते हैं, जो किसी वस्तु से निकलती हुई रोशनी को रिफ्लेक्ट करके देखने वाले की आंखों तक पहुंचा देते हैं। पनडुब्बी जब पानी की सतह के करीब होती है, तब पेरिस्कोप के जरिए आसपास के टारगेट या खतरे को देखा जा सकता है। जब पेरिस्कोप इस्तेमाल में नहीं होता है, तब इसे वापस हल में खींच लिया जाता है। पनडुब्बी के कमांडर को पेरिस्कोप का इस्तेमाल सोच समझ के करना होता है, क्योंकि जब पेरिस्कोप सतह पर होता है तो यह लहरें पैदा करता है, जिसे दुश्मन देख सकता है या रडार से भी इसका पता लगाया जा सकता है। एक पनडुब्बी के आगे की तरफ आउटर हल और प्रेशर हल के बीच में सोनार लगा होता है। सोनार एक ऐसा उपकरण है जो साउंड वेव का इस्तेमाल करके किसी वस्तु की लोकेशन का पता लगा सकता है। ये टॉरपेडो ट्यूब है। इसका एक छोर पनडुब्बी के बाहर तक जाता है और दूसरा छोर प्रेशर हल के अंदर होता है। टॉरपेडो ट्यूब का इस्तेमाल टॉरपेडो छोड़ने के लिए किया जाता है, जो प्रेशर हल के अगले हिस्से में रखे होते हैं। प्रेशर हल के बीच के हिस्से में पनडुब्बी और हथियारों का कंट्रोल सिस्टम होता है। पनडुब्बी के सभी सिस्टम यहीं से संचालित होते हैं। इस कंपार्टमेंट में सभी नेविगेशनल कंट्रोल सिस्टम, वेपन फायरिंग सिस्टम, मशीनरी कंट्रोल और मॉनिटरिंग पैनल, डाइविंग और सरफेसिंग सिस्टम, स्टीयरिंग कंट्रोल सिस्टम सभी मौजूद होते हैं। क्रू मेंबर्स के रहने की व्यवस्था जैसे रसोई, मेस, शयन कक्ष, टॉयलेट इत्यादि भी प्रेशर हल के बीच में ही की जाती है। ये मिसाइल ट्यूब है, जहाँ से मिसाइल फायर की जाती है। इसके पीछे सहायक उपकरण कंपार्टमेंट है, जिसमें एयर वाटर बनाने वाली मशीनों जैसी और भी कई मशीनें रहती हैं। इसके पीछे न्यूक्लियर रिएक्टर कंपार्टमेंट है, जहाँ पर न्यूक्लियर फिजन से ऊर्जा बनाई जाती है। इसके बाद इंजन कंपार्टमेंट है, जहाँ टर्बाइन, गियरबॉक्स, जनरेटर आदि रखे होते हैं। पनडुब्बी के लास्ट में प्रोपेलर लगा होता है, जो पनडुब्बी को आगे बढ़ाता है। दोस्तों, आज हमारे पास न्यूक्लियर पावर से चलने वाली सबमरीन्स हैं, पर हमेशा से ऐसा नहीं था। इसके पीछे इंजीनियर्स और साइंटिस्ट की बहुत मेहनत लगी है। आज हमें कंटिन्यूसली नए नए टेक्नोलॉजीज देखने को मिल रहे हैं। न्यू टेक्नोलॉजीज की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है टेस्ला का। और दोस्तों, आपने सबसे फेमस एंटरप्रेनर, इन्वेस्टर एंड बिजनेस मैग्नेट एलोन मस्क का नाम तो सुना ही होगा। इन्होंने बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज पर काम किया हुआ है और बहुत सक्सेसफुल भी रहे हैं। एलोन मस्क के सक्सेस सीक्रेट ऑडियो बुक को आप कुकू एफएम पर सुन सकते हैं और एलोन मस्क के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। मैंने खुद सुनी है और यकीन मानिए, बहुत कुछ सीखने को मिला है। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप किसी भी बुक को ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हैं। यहां पर आपको हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे माइथोलॉजी, सोशल कल्चर, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन और इसके अलावा और भी बहुत कुछ। यही नहीं, ये सब आप हिंदी, इंग्लिश के अलावा
और भी बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज में सुन सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह अपनी नॉलेज इंक्रीज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से अभी डाउनलोड करें कुकू FM और आपको 399 का ईयरली सब्सक्रिप्शन डिस्काउंट के बाद मात्र 199 रुपए में मिल जाएगा। बस इतना ही नहीं, पहले 250 यूजर को मेरा कूपन कोड ENG50 यूज करने पर 50% तक ऑफ मिल जाएगा। तो दोस्तों है ना ये बेस्ट ऑफर, अभी डाउनलोड कीजिए कुकू FM। न्यूक्लियर पावर्ड पनडुब्बी में न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाला प्रोपल्शन सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। डीजल इंजन से चलने वाली पनडुब्बी में एक बार ईंधन भरने के बाद यह केवल 14,000 नॉटिकल माइल्स यानी कि लगभग 26,000 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। इसके बाद इसे रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ती है, जबकि न्यूक्लियर ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी में पहली ही बार में इसमें इतना यूरेनियम भर दिया जाता है कि इसे 30 वर्षों से भी ज्यादा समय तक बिना रिफ्यूलिंग के चलाया जा सकता है। इसलिए न्यूक्लियर पनडुब्बी का एक बड़ा फायदा ये भी है कि रिफ्यूलिंग की वजह से कभी इसे वापस बेस पर नहीं आना पड़ता है। आमतौर पर न्यूक्लियर पनडुब्बी में प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर PWR का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं कि ये प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर काम कैसे करते हैं। ये रिएक्टर वेसल है जिसमें फ्यूल असेंबली ट्यूब्स रखी होती हैं। यहाँ पर फ्यूल प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला यूरेनियम होता है। यूरेनियम एक रेडियोएक्टिव केमिकल एलिमेंट है जो पृथ्वी की ऊपरी परत क्रस्ट में चांदी की तुलना में 40 गुना अधिक और सोने की तुलना में 500 गुना अधिक सामान्य है। यह लगभग हर जगह चट्टान, मिट्टी, नदियों और महासागरों में पाया जा सकता है। यूरेनियम को प्रोसेस करके छोटे छोटे सिरेमिक पैलेट्स के रूप में बना दिया जाता है और फिर इन पैलेट्स को मेटल ट्यूब में सील कर दिया जाता है। इसके बाद इन मेटल ट्यूब्स को वेल्ड करके बंडल बना दिया जाता है जिसे फ्यूल असेंबली कहते हैं। आमतौर पर 200 ट्यूब्स को वेल्ड करके एक फ्यूल असेंबली बनती है। ऊर्जा बनना तब शुरू होती है जब इन रॉड्स में न्यूक्लियर फिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब एक न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 एटम के न्यूक्लियस से टकराता है तब यूरेनियम एटम दो हल्के एटम्स में विभाजित हो जाता है। इस प्रक्रिया में बहुत सारी एनर्जी निकलती है और साथ ही साथ दो या तीन अतिरिक्त न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। यह अतिरिक्त न्यूट्रॉन्स दूसरे यूरेनियम एटम से टकराते हैं और इस प्रकार चेन रिएक्शन चलता रहता है जिसके कारण फ्यूल के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है। रिएक्टर ट्यूब्स के चारों तरफ हाई प्रेशर पानी भरा होता है जो इन ट्यूब्स की गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है और बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। हाई प्रेशर में होने के कारण 100 डिग्री से ज्यादा तापमान होने पर भी पानी भाप में नहीं बदलता है। यह गर्म हुआ पानी फिर पंप और पाइप्स के जरिए स्टीम जनरेटर में जाता है जहाँ ये पानी उल्टे यू आकार की ट्यूबों के एक बंडल से होकर गुजरता है। स्टीम जनरेटर में यूट्यूब्स के बाहर एक दूसरा पानी मौजूद होता है। यह पानी नॉर्मल प्रेशर पे होता है और यूट्यूब्स के अंदर फ्लो हो रहे पानी में से गर्मी एब्जॉर्ब करके उबलने लगता है जिसके कारण स्टीम पैदा होती है। यूट्यूब्स के अंदर का पानी ठंडा होकर वापस रिएक्टर में चला जाता है। ज्यादा स्टीम पैदा करने के लिए एक से ज्यादा स्टीम जनरेटर लगे होते हैं और लगातार स्टीम बनती रहती है। स्टीम इसके बाद टर्बाइन्स में जाती है जहां स्टीम की ऊर्जा से टर्बाइन्स घूमती हैं। घूमती हुई टर्बाइन्स एक विशाल गियरबॉक्स को घुमाती हैं और अंततः पावर प्रोपेलर तक पहुंचती है जो कि पनडुब्बी को आगे बढ़ाता है।